और किताब यकान को समझने में हमारा ये 19वां प्रयास है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे स्लाइड में देख रहे हैं, इसके अंदर ये कहा गया है कि दिव्य मसीहा होने का दावा करने वाले इस यौवन संपन्न नाजरीन ने मूसा के दो बड़े विधानों, तलाक के नियम और शनिवार के नियम को निरस्त कर दिया। अब यहाँ पे किन पंक्तियों से हमें क्या बताना चाहते हैं, जो हमारी अपनी समझ में आ सकती है, वो बात ये है कि जब जीसस ने ये यहूदियों के सामने कहा कि मैं ईश्वर की तरफ से आया हुआ दूत हूं, तो उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके कई कारण थे, लेकिन दो कारण यहाँ पे बताए गए हैं, तो उन्हें उनकी हम चर्चा करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है, तो वो धीरे धीरे कारण और भी हमारी समझ में आएंगे। पर यहाँ पे जिन दो कारणों की बात की गई है, उनमें एक तो यह है कि यहूदी लोग ये सोचते थे कि उनका जो प्रॉमिस वन है, जिस मसीहा के आने की वो देर देख रहे हैं, जब वो मसीहा आएंगे तो वो जो मूसा के विधान है, तौरात के जो नियम है, उन्हीं नियम को पुनर्जीवित करेंगे, और जो वैभव, जो शान यहूदियों की नीचे स्तर पे आ गई है, पुस्त हो गई है, जो गिर गया उनका स्टैंडर्ड, ये मसीहा आके उनको फिर वही शान, वही वैभव उनके धर्म को दिलाएगा। और जो खराबियां हैं तौरात की शरीयत के अंदर, धीरे धीरे क्रीप कर गई हैं, अंदर आ गई हैं समय के साथ, वो उन सबको दूर करेगा। और धीरे धीरे जो तौरात के नियम है, वो संसार के अंदर उसी जोश से, उसी जील से और उसी वैभव से, तो ये जो बात है जो यहूदी सोचते थे, ये हर धर्म के अंदर है। हर धर्म के अनुयायी ये कहते हैं कि जिस ईश्वरीय अवतार की वो देर देख रहे हैं, जब भी वो ईश्वरीय अवतार आएगा उनका, तो वो उनके धर्म को ही जीवित करेगा, और उनके धर्म को, उनकी खोई हुई जो शान है, वो वापस दिलाएगा। और इसी विडंबना के अंदर वो जब देखते हैं कि ईश्वरीय अवतार उनके धर्म की शरीयत को चलाने की बात तो दूर रही, बल्कि उसके जो स्थापित नियम है, जो पीलर की तरह होते हैं, स्तंभ की तरह होते हैं, उनको ही हिला दिया उसने, उसको ही तोड़ दिया, तो ये कैसा मसीहा हो सकता है? ये तो हमारा प्रॉमिस वन नहीं हो सकता। तो यहूदियों के अंदर उनकी शरीयत में, मोसेस की शरीयत में, तलाक का देना वो अलाउ था, कुछ कंडीशन थी। हर धर्म के अंदर, इवन इस्लाम के अंदर, आप आसानी से तलाक नहीं दे सकते, बहुत सारी कंडीशंस हैं उसके साथ जुड़ी हुई। तो यहूदियों के अंदर भी था कि तलाक दी जा सकती है, कुछ कंडीशंस अगर ऐसी आ गई हैं जहाँ साथ रहना संभव नहीं है, तो फिर आप जो है तलाक दे सकते हैं, एक ऑप्शन था यहूदियों की शरीयत में। ये ऑप्शन जो है और दूसरे धर्मों के अंदर भी है, खासकर जो इस्लाम के अंदर भी ये ऑप्शन है, बहाई धर्म के अंदर भी ऑप्शन है। इसको कोई लाइक नहीं करता है, बहुत घृणित काम है, लेकिन फिर भी अलाउ तो है। तो वो यहूदियों के शरीयत में अलाउ था। जब जीसस आए तो उन्होंने तलाक को प्रतिबंधित कर दिया कि जो है तलाक नहीं दी जा सकती। तो जो कैथोलिक चर्चेज हैं,
कैथोलिक चर्च वाले, अब दो भाग में टूट गया ना, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो जो प्रोटेस्टेंट है वो तो तलाक को अलाउ कर लेते हैं, उन्होंने अपने तरीके से इसको परिवर्तित कर दिया, लेकिन कई कैथोलिक चर्च अभी भी ऐसे हैं जहां पे तलाक होती नहीं है। उन क्रिश्चियनों के अंदर जो रिश्ता है वो तभी टूटता है जब दो पार्टनर में से किसी एक की डेथ हो जाती। पर जो यहूदियों में तो था तलाक होता, तो जीसस ने उसको खत्म कर दिया। तो उनको ये लगा कि ये कैसा मसीहा कि इतना जो स्थापित नियम था इसको उसने गिरा दिया, इसका इसका विनाश कर दिया। दूसरा, यहूदियों के अंदर एक और बड़ा नियम था और वो था सिप्त का, या जिसको हम कहते हैं शनिवार का नियम। तो शनिवार का नियम या सिप्त का नियम, तो ये नियम उनके अंदर था और आज भी प्रचलित है कि शनिवार को वो किसी भी तरीके का काम नहीं करते। इवन जो घर के अंदर खाना जो है वो भी नहीं बनाते, पहले से बना के रख लेंगे, उसको खा लेंगे, पर उस दिन उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, जो बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं वो तो इस नियम को फॉलो करते। दूसरा, वो तौरात के अंदर एक वर्ष है उसका रेफरेंस भी देते, जिस वर्ष के अंदर ये कहा गया कि सिप्त का नियम ऐसा है जो अंतिम समय तक जारी रहेगा। और अंतिम समय जो यहूदियों का है, अंतिम समय जो क्रिश्चियनों का है, अंतिम समय जो मुस्लिम्स का है, वो सब एक है। उन सब का मतलब है रिजरेक्शन, उन सब का मतलब है पुनरुत्थान, उन सब का मतलब है कयामत का आना। तो वो ये मान के चलते हैं कि जब तक कयामत आएगी तब तक ये नियम जो है कैंसिल नहीं होगा। तो कयामत तो आई नहीं, उन जो जो मुस्लिम्स के अंदर गलत फहमी है कयामत शब्द को लेके, वो यहूदियों के अंदर भी है, वो क्रिश्चियंस के अंदर बहुत मिलते जुलते हैं, इन सब के अंदर जो लक्षण बताए गए हैं कयामत के। तो वो गलत फहमी इनके अंदर भी थी कि कयामत तो अभी आई नहीं, जीसस भले से आ गए अपने आप को कह रहे, पर ये जो सिप्त का नियम तो कैंसिल कर ही नहीं सकते, तो कयामत तक चलने वाला। तो इसको जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया और जीसस का जो है इनकार कर दिया। यहाँ तक के जो बहुत सारे कष्ट थे वो उनको दिए गए, और आप जानते हैं कि आखिरी परिणाम जीसस का क्या हुआ कि उनका क्रूसिफिकेशन या उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। तो ये जो है हर प्रॉफिट के साथ होता रहा है, बाहुल्ला बार बार ईश दूत बाप के बड़े मामा को समझाने का प्रयत्न कर रहे। मित्रों, इस बात को ऐसे समझिए, जो गलत फहमी है इसको ऐसे समझिए एक सिंपल उदाहरण के थ्रू, कि एक फूल है चाहे कितना भी खूबसूरत हो, उसका रंग कितना अच्छा हो और उसकी सुगंध कितनी अच्छी हो, जब वो मुरझा जाता है तो मुरझाने के बाद वो अपनी जहां जिस पौधे पे लगा था वहां से झड़ के नीचे तो गिर सकता है, लेकिन कभी वो अपने असली प्रारूप में वापस नहीं आ सकता कि एक मुरझाया हुआ फूल फिर उसके अंदर वही रंगत आ जाएगी, वही खुशबू आ जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये सिंपल उदाहरण है जो हम अपने आसपास नेचर के अंदर देखते हैं, लेकिन जो धर्म के अनुयायी हैं उनके अंदर ये गलत फहमी है कि जब भी उनका प्रॉमिस वन आएगा तो एक नया धर्म लेके नहीं आएगा, बल्कि जो उनका धर्म है उसी को जो है वो पुनर्जीवित करेगा, उसका ही वो उत्थान करेगा। तो ये गलत फहमी की वजह से उन्होंने जीसस का इनकार कर दिया। अब अगली स्लाइड के अंदर हम इसको जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको हम देखेंगे, दो नंबर की हमारी स्लाइड है। अब ये दूसरा कारण है इनकार करने। एक कारण तो आपको पिछली स्लाइड में बताया कि वो जो है हमारी शरीयत को फिर से चलाएगा, वो हुआ नहीं, बल्कि कुछ नियम खत्म कर दिए। अब ये दूसरा कारण, जो प्रॉमिस मन है उसका एक फिगर, उसकी एक मूर्त लोग अपने दिमाग में बना लेते और बहुत सारी कहानियां उसके साथ जोड़ देती। अब भले से वो कल की अवतार के बारे में हो कि सफेद घोड़े पे आएंगे
तलवार उनके हाथ में होगी, या वो कायम के बारे में हो कि हजार साल के छिपे हुए कायम एक स्थान से जो कि हिडन है वहां से वो निकल के आएंगे और यही उनका शेप होगा। तो एक एक मूरत जो है वो गढ़ लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, और जब वो देखते हैं कि वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं ईश्वर की तरफ से आया हूं, तो उसको वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर जो रचना बनी हुई है वो बिल्कुल अलग होती है और उस इस दूत से मेल नहीं करती। तो यहाँ पे बता रहे हैं बहाउल्लाह कि जो धारणा थी इनके मामा के मन में भी ऐसी धारणा थी, तो जो धारणा आपके मन में होती है, जो आपकी सोच होती है, उस धारणा के विपरीत जब आप देखते हो कि प्रॉमिस बनाए हैं तो आप उनको आसानी से स्वीकार नहीं करते। अगली स्लाइड में फिर इस बात को बहाउल्लाह और भी समझा रहे हैं कि ये आपके दिमाग में, बड़े मामा के दिमाग की बात नहीं है, ये पुराने समय से चलती हुई बात आ रही। तो इसमें कहा गया कि पुरातन काल से लेकर आज तक धरती के सब लोग ऐसे ही काल्पनिक और अनुपयोग विचारों से चिपके बैठे और इस प्रकार उन्होंने विशुद्धता और पावनता के स्रोतों से प्रवाहित स्वच्छ जल से स्वयं को वंचित कर रखा। तो ये केवल आपका नहीं कि आप जो अपने भांजे के बारे में ऐसा सोच रहे हो, ये हर एक ने सोचा था, यहूदियों ने भी सोचा था, उससे पहले जो धर्म हुए थे उन सब ने कल्पना की थी और उस कल्पना परेशानी आई स्वीकार करने। तो जब उन्होंने झुटला दिया तो वो विशुद्ध, यहाँ पे जो बहाउल्लाह शब्द यूज कर रहे हैं के विशुद्धता और पावनता के स्रोतों से, विशुद्धता और पावनता के स्रोत कौन से, ईश्वर की तरफ से, जो परम चेतना है, परमात्मा है। तो परमात्मा या ईश्वर की तरफ से जो ये ईशदूत आते हैं वो जो अपनी शिक्षाएं लेके आते हैं ये स्वच्छ जल की तरह होती है। तो जब आप अपने ही ख्याल के अंदर खोए हुए रहते हो, अपने ही फिगर को तलाशते रहते हो उस आने वाले इस दूत के अंदर, तो वो जो स्वच्छ जल लेके आया है अपनी शिक्षाओं के रूप में, अपने धर्म ग्रंथ के रूप में, आपको उसे स्वीकार करने के अंदर अड़चन होती है और आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते। अब अगली जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो 17 नंबर के पैराग्राफ से है किताबी यकान की, जो स्लाइड नंबर 4 है। और अभी ये जो स्लाइड नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सब बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्नेहा से, वो इसको पढ़ के हमें बताएंगी, उनकी हिंदी भी अच्छी है तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। तो जो है ये स्लाइड नंबर 4 पे जो दिया हुआ है, इन रहस्यों को प्रकट करने में हमने एक मित्र को हिजाज की मधुर भाषा में संबोधित अपनी पूर्व पाठियों में प्राचीन ईश दूतों के प्रति प्रकट किए गए पदों के दृष्टांत दिए, और अब तुम्हारे अनुरोध पर हम पुनः इसी पृष्ठ में उन्हीं पदों को इराक की अद्भुत बालाघात वाली शैली में प्रस्तुत करेंगे, ताकि शायद कहीं सुदूर बियावान में भटकते प्यासे जन दिव्य उपस्थिति का महासागर पा सकें और वियोग के बंजर में मृत प्राय जन अनंत पुनर्मिलन के आवास तक लौट सकें, इस तरह भटकाव का कुहासा छट जाए। तो यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, 17 नंबर का पैराग्राफ, इसमें बहाउल्लाह ये कह रहे हैं उनसे कि हमने जो आपके सामने यकान प्रकट की, यकान का जो मतलब पुराना जो नाम था, क्योंकि उनके मामा के लिए था, तो रिसाला खाल, खाल बोलते मामा के, मामा के लिए ये एक पाती है, तो रिसाला खाल था, बाद में फिर बहाउल्लाह ने उसका नाम किताब यकान रखा।
तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी जो हम आपके सामने किताबी यकान प्रकट कर रहे हैं, ये हिजाजी जबान के अंदर नहीं है, बल्कि ईरा की अद्भुत बलाघात जबान के अंदर। तो यहाँ पे दो शब्द आए, एक तो हिजाजी जुबान के अंदर और एक ईरा की जुबान के अंदर। इससे जो बहाउल्लाह का मतलब है, हिजाजी जुबान से मतलब है उनका अरबी के अंदर, कि अरबी के अंदर और इराकी जुबान से उनका मतलब है वो पर्शियन के अंदर, फारसी के अंदर। तो फारसी के अंदर किताबी यकान है, ये तो हम जानते हैं, उसको समझने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये तो बात हमारी समझ में आती है कि जो बाहुल्ला इराकी जुबान की बात कर रहे हैं वो पर्शियन है, और उस पर्शियन के अंदर ही जो यकान है वो अवतरित हुई थी। इसमें कहा ना उन्होंने कि इन रहस्य को प्रदूर भाषा में संबोधित अपनी पूर्व उपाधियों में प्राचीन ईस्ट दूतों के प्रति प्रकट किए गए पदों के दृष्टांत दिए। तो अब वो कौन मित्र थे और वो उस पाती का नाम क्या था, अब यहाँ पे जो हमें इस बात को समझना। तो जिस अरबी भाषा के अंदर ये एक टेबलेट बाहुल्लाह ने लिखी थी, वो जिन व्यक्ति को लिखी थी उनका नाम था यूसुफ अस्फहानी। तो यूसुफ अस्फहानी को लिखी थी, और उस किताब का जो अरबिक नाम था वो था इसरारुल जवाहर, इसरारुल जवाहर। और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है, और इंग्लिश के अंदर हमको हम उसको बोलते हैं डिवाइन मिस्ट्रीज के नाम से, टेबलेट ऑफ डिवाइन मिस्ट्रीज। तो ये अरबी के अंदर अवतरित हुई थी और किताबे यकान से पहले अवतरित हुई थी। और जो उनका क्वेश्चन था वो बहुत ही चुपता हुआ क्वेश्चन था इनका, मिर्जा यूसुफ अस्फहानी का। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि जो अली मोहम्मद के रूप में, बाप के रूप में जो आए हैं, वो मेहदी कैसे हो सकते हैं, मेहदी के रूप में कैसे ट्रांसफर हो गए, हाउ द प्रॉमिस मेहदी कुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द अली मोहम्मद, कि ये कैसे जो है वो ट्रांसफर हो गए अली मोहम्मद। ये चुपता हुआ क्वेश्चन था, और इसके जवाब में जो अरबी भाषा के अंदर उन्होंने लिखा वो टेबलेट ऑफ डिवाइन मिस्ट्रीज था, या इसरारुल जवाहर के नाम से था। तो बाहुल्लाह यहाँ पे इस बुक का रेफरेंस दे रहे, और ये किताब यकान से पहले अवतरित हुई थी, और ये भी उसी समय जैसे ही उनको ये लेटर मिला। ये यूसुफ अस्फहानी बगदाद में नहीं थे, कर्बला के अंदर थे। तो इन्होंने अपना जो क्वेश्चन लिख कर और एक पेपर पे बाहुल्लाह की तरफ भेजाया था, और जैसे ही बाहुल्लाह को उनका पत्र मिला, तुरंत उसके बाद ही उन्होंने रिवील करना शुरू किया, और केवल कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर उस पत्र का उन्होंने जवाब दे दिया। तो जैसे किताबे यकान उनका मेरा के लिए 48 आवर्स के अंदर रिवील कर दी इतनी बड़ी बुक, ये भी एक उनका मेरा के लिए बाहुल्लाह का, कि बहुत ही कम समय के अंदर जवाहरुल इसरार करके जो ये टैबलेट उन्होंने अवतरित की थी यूसुफ अस्फहानी के लिए। अब किताब यकान के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो वो किताब यकान के उसमें वो कह रहे हैं कि ये इसके अंदर वो रहस्य उन्होंने खोले हैं, ज्ञान का वो महासागर है, कि अगर व्यक्ति उसके किनारे तक ही आ जाए। बाहुल्लाह अभी तो उसके अंदर डूबने की बात ही नहीं कर रहे अपने ज्ञान के महासागर, वो किनारे तक आने की बात करें। जो बिल्कुल शुरू का पैराग्राफ हमने किताबे यकान का पढ़ा था उसमें यही उन्होंने कहा था, किनारा एक नहीं प्लूरल वर्ड उन्होंने यूज किया था वहां। तो उस समय हमने डिस्कस किया था कि किनारा क्यों नहीं किनारों क्यों शब्द यूज किया था उन्होंने, वो हम पहले अपनी चर्चा के अंदर एक विषय ये जो मृत प्राण व्यक्ति भी पी लेता है, तो
तो उसको जो है पुनर्जीवन मिल जाएगा, तो पुनर्जीवन उसका मिल। अब यहाँ पे एक छोटी सी घटना है जिसका हम वर्णन कर सकते हैं। एक बहाउल्लाह को जब निर्वासित किया गया था तेहरान से बगदाद की तरफ, तो उनके जो साथी थे उनमें एक साथी थे आका रिदा, तो आका रिदा जो है उनके साथ थे। जब भी कभी मौका मिलता तो ये कारवां कहीं रुकता था, शाम के समय रात के समय तो कहीं वो रुकता था। एक बार जब ये कारवां रुका तो आका रिदा को जो झपकी लग गई, इनको नींद लग गई, नींद लग गई। और जब ये उठे तो उन्होंने देखा कि आसपास कुछ भी नहीं है, ये कारवां तो जो आगे निकल चुका था। ये घबराए कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे बाउल्लाह को ढूंढने, मैं अपने लोअर के पास कैसे जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं। तो इन्होंने देखा कि एक कहीं पे रोशनी दिख रही, कोई कहीं पे आग जैसी जलती हुई दिख रही। ये वो आग की तरफ जो जल्दी जल्दी बढ़ी, जब उन्होंने देखा तो वो आग जलाने वाले और कोई नहीं थे, वो आका मोहम्मद बाकिर थे। आपने सुना होगा आका मोहम्मद बाकिर एक मुस्लिम स्कॉलर थे, एक मुज्तहिद थे, लेकिन जब वो बहाई बन गए और उनको बहाउल्लाह का जो स्टेटस था, जब उनके बारे में उनको पता लग गया कि कैसे महान ईश्वरीय अवतार हैं, तो उन्होंने उनके यहाँ किचन में काम करना पसंद किया उस मुज्तहिद ने। तो ये जो आका रिदा थे जो उनको आग जलती हुई दिखी थी, वो एक्चुअली वो भट्टी थी जिसके अंदर ये आका मोहम्मद बाकिर चाय बना रहे थे कारवां वालों के लिए। तो ये वो उसकी तरफ जल्दी गए और फिर उसके बाद बहाउल्लाह से जाके उनकी जो है भेंट हुई। तो ये ऐसे जो भटक जाते हैं, उन भटकने वालों को रास्ता दिखाने वाली जो बुक है वो है किताबे इकामा। जो जो थोड़ी बहुत हमारी समझ में आ जाए तो वही बड़ी बात है, बाकी आप कितनी बार इसको पढ़ते रहें, हर बार आपको कुछ न कुछ नई चीज इसके अंदर मिल जाए। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, पांचवें नंबर की स्लाइड पे। फिर इसने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज इसको फिर से पढ़ दे। विवेक संपन्न जनों के लिए यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि जब ईसा की प्रेमाग्नि ने यहूदी धर्म की सीमा रेखाओं को भस्म समाप्त कर दिया और जब उनकी प्रभुसत्ता प्रकट हुई और थोड़ी बहुत प्रभावी भी हो गई, तो अदृश्य सौंदर्य के उस प्रकटकर्ता ने अपने शिष्य के सम्मुख अपनी मृत्यु का उल्लेख करते हुए अपने शिष्यों के दिल में वियोग की ज्वाला धधकाते हुए कहा, मैं जाता हूँ और पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। यहाँ पे जो बहाउल्लाह हैं वो ईसा के युग धर्म के समापन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ वो जो मैथ्यू करके बुक है ओल्ड टेस्टामेंट की, उस पर रिफरेंस देते हुए वो बता रहे हैं कि जब उनका अंतिम समय आया जीसस क्राइस्ट का, तो एक दृष्टांत है उसमें बताते हैं कि एक पहाड़ी थी, उस पर वो अपने कुछ वफादार साथियों के साथ बैठे हुए थे और उनसे जो है वो चर्चा कर रहे थे। तो उसी चर्चा के अंदर उन्होंने कहा कि जो है मैं अब अपना समय आ गया मेरे पूरा इस धरती पर रहने का, तो मैं जो है अब तुम लोगों को छोड़ के जो है चला जाऊंगा, पर मैं जाता तो हूँ पर पुनः तुम्हारे पास जो है आऊंगा। अब वो पुनः तुम्हारे पास आऊंगा, ये जो री इनकार्नेशन रीकमिंग ऑफ जीसस से बाइबल के अंदर ऐसा बताते हैं कि 15 से 18 बार जो जीसस क्राइस्ट ने इस बात को कहा है, और हमेशा ये बात उन्होंने तब कही जब कोई उनसे पूछता था कि आप जाने की बात करते हैं तो क्या हमारे हमारे बाद आपके बाद जो हमारा देखने वाला कौन होगा, तो वो हमेशा ये कहते थे कि मैं फिर आऊंगा और तुमको अपने साथ स्वर्ग के अंदर लेके जाऊंगा। तो ये 18 बार उनसे पूछा गया और हर बार जो उनका जवाब था वो अलग अलग तरीके का जवाब होता था।
तो वो कभी कुछ बताते कभी कुछ बताते थे, तो उसी से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि आखिर जीसस कहना क्या चाहते हैं, वो जब आएंगे तो किस रूप के अंदर आएंगे। तो वो बहुत बार उन्होंने जगह जगह पे इसका जवाब दिया। अब जो अगली स्लाइड है वो पैराग्राफ नंबर 19 से, जिससे आगे का पैराग्राफ है, ये खुद अपने आप में बड़ा पैराग्राफ है, और फिर मैं स्नेहा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज जो इसको पढ़े। प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति यह पहचान लेगा कि कुरान के धर्म युग में ईसा के ग्रंथ और उनके धर्म दोनों की ही पुष्टि की गई है। जहां तक नामों का संबंध है, स्वयं मोहम्मद ने घोषणा की थी, मैं ही ईसा हूँ। उन्होंने ईसा के चिन्हों, शब्दों और उनकी भविष्यवाणियों के सत्य को पहचाना और प्रमाणित किया था कि वे सब ईश्वर के हैं। इस अर्थ में ना तो स्वयं ईसा और ना ही उनके पवित्र लेख मोहम्मद और उनके ग्रंथ से भिन्न थे, क्योंकि ये दोनों ही प्रभु धर्म के अग्रनायक थे। दोनों ने ईश्वर का गुणगान किया था और उसके आदेशों को प्रकट किया था। यही कारण है कि ईसा ने स्वयं यह घोषणा की, मैं जाता हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तो ये भी फिर बहुत एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, और यहाँ पे जो हजरत मोहम्मद हैं उनकी एक हदीस है, उस हदीस को यहाँ पे बाउल्ला ने रेफर किया है, जो ऊपर अंडरलाइन की गई है कि मैं ही ईसा हूँ, यानी प्रॉफेट मोहम्मद ये कहते हैं कि मैं ईसा हूँ। तो किस सेंस में वो ईसा थे, क्योंकि ईसा कहते हैं बिल्कुल लास्ट के अंदर जो अंडरलाइन किया गया कि मैं जाता हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊंगा, तो वो जो वापस आए थे वो उस फिगर के अंदर नहीं थे जिस फिगर के अंदर वो इस संसार को छोड़ के गए थे। उनका भौतिक स्वरूप अलग था, लेकिन जब वो मोहम्मद के रूप में आए तो मोहम्मद के रूप में ही वो ईसा थे। तो हर प्रॉफिट के साथ ऐसा होता है कि उससे आगे वाला जो प्रॉफिट आता है वो उसका प्ररूप होता है। तो जिस तरीके से मोहम्मद के रूप में ईसा आए थे, इस तरीके से जो ईशदूत बाप थे वो मोहम्मद के रूप में आए थे, ये उनके बड़े मामा को बताना चाहते, ताकि उनको जो है अपने भांजे का इम्पोर्टेंस पता लगे। तो जिस तरीके से ईसा आए थे मोहम्मद के रूप में, इसी तरीके से बाप जो है वो मोहम्मद के रूप में आए। तो ये जो अवतार हैं एक के बाद एक आते हैं। अब इसमें जो जो ये बीच का सेंटेंस है, दोनों ही प्रभु धर्म के अग्रनायक थे, दोनों ही प्रभु धर्म के अग्रनायक थे, मतलब यहाँ पे जीसस और मोहम्मद की बात की गई, पर हम इसके अंदर ईशदूत बाप को भी जोड़ सकते। तो ईशदूत बाप का समय जो अलग है, लेकिन वो भी अग्रनायक थे। तो कुल मिला के बाहुल्ला के तीन अग्रनायक है, एक तो जीसस जिन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा और अपने फादर के रूप में आऊंगा, तो वो बाहुल्ला की तरफ इशारा था। मोहम्मद ने कहा था कि मैं फिर आऊंगा जब कयामत होगी, वो कायम की तरफ इशारा था। और बाप ने तो बिल्कुल क्लियरली कहा था कि मेरी बात वो आएगा जिसको ईश्वर प्रकट करेगा। तो यहाँ पे अवतारों का जो सिलसिला है, जो चेन है, उसके तरफ बाउल्ला इशारा कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि जब एक ईश्वरीय अवतार का धर्म काल उसका भौतिक जीवन इस संसार पे खत्म होता है, और उसके बाद जब उसका धर्म काल खत्म होता है तो उसके बाद फिर एक नया अवतार आता है, ये वो ही पुराना अवतार है। फिर यहाँ पे आगे इसी पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ 19 के अंदर बहाउल्लाह सूर्य का उदाहरण देती है कि जो सूर्य ये कहे कि मैं आज का सूर्य हूँ तो भी सही है, या वो ये कहे कि मैं वही सूर्य हूँ जो कल था, कल उगा था, तो भी सही है।
तो वो एक सिंपल उदाहरण से इस बात को समझाना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली स्लाइड है सातवें नंबर की, ये पैराग्राफ नंबर 20 से। उसके बाद ईसा के मित्रों और शिष्यों ने उनसे उन चिन्हों के संबंध में पूछा जो उनके पुनर्प्रकटीकरण को संकेतित करेंगे। उन्होंने पूछा कि ये बातें कब घटित होंगी। अनेक बार उन्होंने उस अप्रतिम सौंदर्य से सवाल किए और प्रत्येक बार उसने उत्तर दिए। उन्होंने विशेष चिन्ह सुनिश्चित किया जो कि प्रतिज्ञापित अवतार के आगमन की पूर्व घोषणा करेगा। चारों गॉस्पेलों इंजीलों के अभिलेख इसे प्रमाणित करते हैं। जब उन्होंने जैसा आपको अभी बताया ना कि लोग उसका उत्तर दे देते, तो जब उनसे ये चिन्ह पूछे गए कि वो चिन्ह क्या होंगे, जब आपके पुनरागमन कैसे पहचानेंगे आपका पुनरागमन हुआ है, तो वो चिन्ह क्या होंगे, तो वो चिन्ह के रूप में उन्होंने कई तरीके के चिन्ह दिए हैं। उसमें से एक जो चिन्ह है वो बुक ऑफ डैनियल के बारे में, और बुक ऑफ डैनियल का जो चैप्टर 8 और वर्स नंबर 13, तो उसमें उनके आने के चिन्ह दिए। अगर आप इन सारे चिन्हों के बारे में जो बाइबल के अंदर दिया गया उसको जानना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया बुक हमारे पास है सम आंसर्ड क्वेश्चन। और सम आंसर्ड क्वेश्चन के अंदर जो अब्दुल बहा है उसके 10वें चैप्टर के अंदर, 11वें चैप्टर में, 12 नंबर के चैप्टर में और 13 नंबर के चैप्टर में, ये क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए टॉपिक हैं जिसका वो आंसर देते हैं। और जहां तक बुक ऑफ डैनियल की बात है, तो अब्दुल बहा ने इसको एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। अब जो नया एडिशन है सम आंसर्ड क्वेश्चन का, उसमें भी पैराग्राफ है, तो चैप्टर नंबर 10 के 16 नंबर के पैराग्राफ के अंदर अब्दुल बहा ने इसको समझाया है कि इसका क्या अर्थ है। तो बहाउल्लाह ये बता रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आप जो है डैनियल की बुक को रेफर करो, वो प्रोफेसी, कभी उन्होंने और कुछ आंसर दिया, कभी और कुछ आंसर दिया, तो इस तरीके से बता करे। और ये जो उनके सारे आंसर्स हैं वो जो गॉस्पेल है, गॉस्पेल को, गॉस्पेल एक हिब्रू वर्ड है और वो इंग्लिश में भी यूज होता है, जबकि इसका अरबी शब्द इंजील, तो इंजील और गॉस्पेल एक ही है। और इंजील के अंदर चार बुक्स आती हैं, एक तो मैथ्यू की बुक है, एक मार्क की बुक है, एक ल्यूक की बुक है और एक जॉन की बुक है। जॉन, ल्यूक, मैथ्यू और मार्क, तो ये चार पुस्तकें जो है एंजील के अंदर आती हैं। और इन चारों पवित्र पुस्तकों के अंदर चिन्ह दिए गए हैं जीसस क्राइस्ट के आने के। तो इन चिन्हों के बारे में फिर जो है आगे की तरफ हम आते हैं, हमारा 8वें नंबर की जो स्लाइड है उसके अंदर हम उसे डिस्कस करेंगे। टाइम नहीं बचा है, खत्म हो गया, 8वें नंबर बचा। टाइम नहीं बचा, अच्छा टाइम कंटिन्यू करेंगे इसको 8वें नंबर। हाँ जी हाँ, तो अभी रोक देते हैं, फिर 8वें नंबर से हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे इसमें, फिर एक